सचिन पायलट ने भरी विधानसभा में बोला, पक्ष और विपक्ष पर हमला, अपनी सरकार पर भी अंदरूनी तंज। सीएम पायलट ने कस दिया तो विपक्ष पर भी। सचिन पायलट ने कहा है, समय के साथ सब खुलासे होंगे और जिस डॉक्टर के पास मुझे इलाज करवाना था मैंने करा लिया, वही दूसरी ओर सचिन पायलट का ये भाषण जरूर सुने जो कल विधानसभा में कल दिया था। तो सचिन पायलट ने कहा था कि मैं जब 11:15 बजे जब हाउस के अंदर आया और सीट को जब पीछे पाया, जब पहले मैं वहां आगे बैठता था तब सुरक्षित था और सरकार का हिस्सा भी था। तब मैंने सोचा कि अध्यक्ष महोदय और हमारे चीफ साहब ने मेरी सीट यहां पर क्यों रखी। जब 2 मिनट मैंने सोचा और देखा तो ये सरद है, पक्ष और विपक्ष। आगे पायलट ने कहा था कि सरद पर किसको भेजा जाता है, जो सबसे मजबूत योद्धा होता है उसको भेजा जाता है। और आज इस विश्वास मत में जो चर्चा हो रही है उसमें बहुत सी बातें भूली गई और भूली भी जाएगी, और समय समय के साथ सभी बातों का खुलासा भी होगा। पायलट ने कहा कि जो कुछ भी सुनना था कहना था, चाहे मैं हो या मेरा कोई साथी हो, हम लोगों ने जिस डॉक्टर के पास अपने मर्ज को बताना था वो बता दिया। इलाज कराने के बाद हम सब लोग कहने सुनने की बातों से हटकर वास्तविकता पर ध्यान देना पड़ेगा। पायलट ने कहा कि यहाँ पर सरहद पर कितने ही गोला बारूद हो, हम सभी सुरक्षित होकर रखूँगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।